जब हमारे घर का सातू का लाडू आया, बूंदी का लाडू आया, रात्रि भोजन में और भी काम काम करते चुपचाप लाडू की लाल मारी मठे दे संदूक मठे दे ना बाद में खाते बहुत समझ रही थी ना पोवारी बहु बहु नहीं खाई जाना ना समझे नहीं पोवारी बिल्कुल ना सा ना कहो ना भाव इतना समझ रही थी ना तो कहा से कि हमरो बड़ भाव आमरी भो जाई और खाजो आंदे खाई भो जाई रहो से जितना सुनो मंगाता कोई भी कोई की बेटी आओ न कोई की बहू आओ न कोई की भौजाई आओ इतना सर थोड़ा सा ध्यान देना है नहीं तो आमरी आजकल की एडवांस भौजाई काजू किसमिस आए खाजो आए और रंग रंग को खाजो आए के गपा गप टोड़ में खाना कर देवर किन की दया नहीं ससुरो की दया नहीं सासू की दया नहीं पर ससुरो ना सासू की जरूर दया करे पाजे कारण आपला माय बाप हो या दी जन्म दिया पर जन्मदिन को बाद में जाओ अभी 20 साल को बाद में दूसरों को घर जाते तो हुए आपला मरण तक का माय बाप आती सही बात है ना आप लोग माय बाप गिन साड़ी जोरदार ताली बजाओ खून का माली रेशम की साड़ी आनो रेशम की साड़ी तुम
संदूक माँ काते तो रो संदूक माँ काते तो रो संदूक माँ